नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बना के मार्केटिंग करना है, बायर फाइंड करना है, किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और मल्टीपल कंट्रीज में, मोर देन 100 कंट्रीज में हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। मिलियन डॉलर का कारोबार है और कुछ राज्यों से इसका एक्सपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पे पूरे वर्ल्ड के अंदर किया जाता है और इंडियन स्पोर्ट्स गुड्स की डिमांड भी बहुत अच्छी है फॉरेन मार्केट के अंदर। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किन किन राज्यों से आप स्पोर्ट्स गुड्स ले सकते हैं, आप कहाँ पे इसको बेच सकते हैं, टोटल हमारा एक्सपोर्ट कितना है, क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए बनाने रहेंगे और साथ में इस एक्सपोर्ट्स गुड्स के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा स्पोर्ट्स गुड्स को एक्सपोर्ट करने का, तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि स्पोर्ट्स गुड्स के मामले में इंडिया जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी रैंक इंडिया की है और वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स है स्पोर्ट्स गुड्स का। स्पोर्ट्स गुड्स के चैप्टर की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में आता है, जैसे हैंड ग्लव्स वगैरह चैप्टर में भी आते हैं, एचएसएन कोड उसका डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पोर्ट्स गुड्स है वो 9506 के अंदर आपके आते हैं, 95 चैप्टर में, और उसके डिफरेंट डिफरेंट एचएसएन कोड के अंदर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, पर जनरली आपका 9506 से एचएसएन कोड रहता है। और इंडिया जो है वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर है सभी तरीके के जो स्पोर्ट्स गुड्स है उनका, 500,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स गुड्स के और करीब 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स के जो है बनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज के अंदर यहाँ पे। और अगर मेन प्रोडक्ट की बात करें जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं प्लस मैन्युफैक्चर भी इंडिया के अंदर किए जाते हैं, तो उसमें जिमनास्टिक एंड स्पोर्ट्स वियर गुड्स आते हैं, उसके साथ फिशिंग आर्टिकल्स आते हैं, आउटडोर गेम्स आते हैं, फेस्टिव एंड कार्निवल आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं, टॉयज आते हैं जो स्पोर्ट टॉयज होते हैं, गेमिंग टॉयज होते हैं, और उसके अलावा जो रिक्रिएशन गेम्स आता है, पजल्स आते हैं, वीडियो गेम्स इसके अंदर रहते हैं, बिलियर्ड गेम्स इसके अंदर रहता है, कैसिनो आर्टिकल्स, हंटिंग इक्विपमेंट, शूटिंग गैलरी, स्विंग्स, सर्कस एंड फेयर ग्राउंड से रिलेटेड जो है इक्विपमेंट वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ जो है यहाँ से बनाए जाते हैं और ये सब कुछ स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर आते हैं। स्पोर्ट्स वियर वगैरह, आउटडोर स्पोर्ट्स में यूज किए जाने वाले सभी तरीके के स्पोर्ट्स गुड्स इसके अंदर रहते हैं और यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी किए जाते हैं। कौन कौन से स्टेट हैं जो अच्छा खासा यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग भी होता है, पंजाब में होता है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, जम्मू, जम्मू के अंदर जैसे इंग्लिश व्हीलों के कई सारे बीट बनाए जाते हैं तो ट्रेनिंग भी ईपीसीस की प्रोवाइड कराती है वहाँ पे, और वेस्ट बंगाल के अंदर भी स्पोर्ट्स गुड्स का काम होता है डिफरेंट काइंड ऑफ। यहाँ पे जलंधर ऑफ पंजाब, मतलब जलंधर जो सिटी है पंजाब की और मेरठ जो सिटी है यूपी की, टोटल एक्सपोर्ट्स गुड्स प्रोडक्शन का 70-80% जो है ये दोनों सिटी कवर करती है। इन दोनों सिटी में मैक्सिमम स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं बनाए जाते हैं, तो आप अगर यूपी से हैं, आप अगर पंजाब से हैं, तो आपके लिए ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, जैसे मैंने बताया जिमनास्टिक वाले हैं, फिशिंग वाले हैं, शूटिंग गैलरी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स गुड्स में आर्टिकल आते हैं, तो आप मल्टीपल आर्टिकल्स के अंदर काम कर सकते हैं इसके अंदर, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए यहाँ पे। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट ट्रेंड्स की, तो 2021-22 का डेटा अभी फिलहाल हमारे पास है, तो 546 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था फदरली, अभी रिसेंटली तो ये बढ़ ही चुका होगा ऑब्वियस सी बात है। तो अब यहाँ पे जो ट्रेंड बता रहा है, क्योंकि ये 2015 से हमने देखा है कि बहुत कम था और उसके बाद ये 546 मिलियन डॉलर पे आ गया, तो धीरे धीरे ये बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, इंडस्ट्री जो है ईयरली बेसिस पे ग्रो कर रही है, तो आप इस बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। बात करें मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की, कि हमारे यहाँ से कहाँ कहाँ किन किन कंट्रीज में जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, तो यू वॉन्ट बिलीव, आपको यकीन नहीं होगा, करीब करीब 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर हमारे यहाँ से स्पोर्ट्स गुड्स के एक्सपोर्ट होते हैं, जिनमें मेजर इंपोर्टर है हमारे यूके है, यूएसए है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, यूएई, नेदरलैंड, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, कनाडा, बेल्जियम,
ब्राजील के अंदर, डेनमार्क के अंदर और 100 से ज़्यादा कंट्री में, जैसे मैंने बताया, इन सब कंट्रीज़ के अंदर हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। यूके जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है हमारे यहाँ से बॉल्स का, जो सभी तरीके की बॉल्स होती है यूके के अंदर जाती, चाहे वो टेनिस बॉल वगैरह हो गई है, वो सभी तरीके की जो है आप यहाँ से बॉल्स यूके के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर है यूके हमारे लिए, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अच्छी खासे इंपोर्ट करते हैं हमसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ बात करें कि ये कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अब यहाँ बात करें कि एक्सपोर्ट तो हम कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट हमें क्या सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स हमें क्या देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट बेनिफिट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें MAI स्कीम भी आपको देखने को मिल रही है, ड्रॉबैक भी देखने को मिल रहा है और रोड टैप भी देखने को मिल रहा है। तो ड्रॉबैक की बात करें तो 1.4% तक ज़्यादातर प्रोडक्ट पर आपको ये मिल जाएगा, बट कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जैसे टेनिस टेबल वगैरह है, उस पर 7% 9% तक भी पर पीस के ऊपर आपको जो है ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छे ड्रॉबैक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पर मैक्सिमम 9% तक हमने देखा है ड्रॉबैक है पर पीसेस पे। फिर जैसे लेग गार्ड होते हैं उन पे भी काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल रहा है, 7% के आसपास के बेनिफिट हैं। तो ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे अलग अलग बेनिफिट्स हैं और मैक्सिमम प्रोडक्ट पे 1.4% आपको जो है ड्रॉबैक यहां देखने को मिलेगा, जो भी आपकी इन्वॉइस वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंगली। और यहां रोड टेप की बात करें तो रोड टेप आपका 1% मैक्सिमम प्रोडक्ट पे 1% रोड टेप आपका यहां देखने को मिलेगा। MAI जो स्कीम है, मार्केट असिस्ट इनिशिएटिव स्कीम, अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के थ्रू किसी भी फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर डिस्प्ले वगैरह लगाते हैं अपने प्रोडक्ट की, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से उसके थ्रू, तो आप जब वहां फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो आपका एयर फ्रेट लगेगा और एयर फ्रेट पे ही गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। तो MAI स्कीम भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी आपको काफी अच्छे बेनिफिट जो है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर प्रोवाइड करा रही है और मेजर हब बन के निकल के आ रहे हैं यूपी का मेरठ और जलंधर सिटी इन पंजाब। तो बहुत अच्छे यहां पर स्पोर्ट्स गुड्स बन रहे हैं, तो आप यहां से स्पोर्ट्स गुड्स लेके भी जो है फॉरेन मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की, अगर आपको इंडिया से स्पोर्ट्स गुड्स का एक्सपोर्ट करना है तो डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या बनाने रहेंगे। तो अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो इंडिया से अगर आपको स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले GST ले लें। GST के बाद आपको करंट अकाउंट जब आप ओपन कराते हैं वहां से ID कोड लेटर लगेगा आपको, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा जो कि DGFT के पोर्टल से आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको RCMC स्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है उसका RCMC आप ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट ने कई सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई है पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, तो इसकी जो स्पोर्ट्स गुड्स की जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसी से आपको उसका रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और जब आप RCMC उसका ले लेंगे उसके बाद जनरली आपको जो है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द शिपमेंट आपको बनेंगे जैसे परफॉर्म इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, इसमें फ्यूमिगेशन होगा, कई अगर लकड़ी से बने कोई भी प्रोडक्ट रहेंगे तो फ्यूमिगेशन आपको लगेगा, सर्टिफिकेट ओरिजिन रहेगा, शिपिंग बिल आपका फाइल होता है और यहां पे बिल ऑफ लेडिंग वगैरह आपके बनेंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट रहेंगे। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर सारे डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन हमारे द्वारा करवा दिए जाएंगे। तो ये थे डॉक्यूमेंट जो आपको बनाने रहेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट आपको शिपमेंट से पहले बनाने होते हैं, पहले से तैयारी करनी है, और कुछ डॉक्यूमेंट शिपमेंट के दौरान और कुछ डॉक्यूमेंट शिपमेंट के बाद भी बनते हैं, वो बैंकिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, वो बैंक उसमें आपको गाइड भी कर देगा। तो यहाँ पे जनरली ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं। उसके बाद अगर प्रोसीजर की बात करें कि इंडिया से अगर स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं तो पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये सेगमेंट बहुत बड़ा है, मल्टीपल आर्टिकल्स जो है इसमें बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके के प्रोडक्ट में आप डील करना चाहते हैं। आप जैसे हैंड ग्लव्स में डील करना चाहते हैं, बॉल्स के अंदर आप डील करना चाहते हैं, रैकेट्स होते हैं जो टेबल टेनिस वाले होते हैं या लॉन टेनिस वाले होते हैं या बैडमिंटन वाले रैकेट्स होते हैं, तो आप किस तरीके के उसमें डील करना चाहते हैं। जैसे बताया गया कि शूटिंग गैलरी से रिलेटेड इक्विपमेंट या आर्टिकल्स वगैरह आप बना सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बेट वगैरह में भी आप कर सकते हैं, बेट बॉल वगैरह क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें, फुटबॉल से रिलेटेड, तो इस तरीके की सारी एसेसरीज में आप डील कर सकते हैं, सारे स्पोर्ट्स गुड्स में, स्पोर्ट्स वियर में भी आप कर सकते हैं, स्विमिंग वियर में भी आप कर सकते हैं, तो इस तरीके से सारी चीजों में आप डील कर सकते हैं। तो पहले तो अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करें कि मुझे किस प्रोडक्ट के अंदर डील करना है, तो 4-5 स्पोर्ट्स वियर आप इनिशियली लें, मतलब ज्यादा ले लेंगे तो हो सकता है मल्टीपल चीजों में आप वर्किंग ना कर पाए, सबकी प्राइसिंग अलग अलग होती है, आपको थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो 5-7 प्रोडक्ट जिनकी अच्छी डिमांड है, जैसे बोल की बहुत अच्छी डिमांड जैसे मैंने बताया कि यूके के अंदर है, तो पहले उसको सेलेक्ट कर लें। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिमांड है और ये आप अपना स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से बात करके भी समझ सकते हैं। जब आप ये पता करें उसके बाद अपना सोर्सिंग पता करें कि कहाँ से हमें ये खरीदना ठीक रहेगा, जैसे कि दिल्ली में भी मिल जाता है, पंजाब में मिल जाता है, आपको उत्तर प्रदेश से मिल जाएंगे। बेट लेने बेस्ट क्वालिटी के इंग्लिश वीलो के तो आप जम्मू से ट्राई करें, तो ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आप जब परचेजिंग के लिए आप प्राइसिंग वगैरह ले लें अपने प्रोडक्ट की, क्या प्राइस आपको मिल जाएगी, बेस्ट टू बेस्ट प्राइस क्या हो सकती है। प्राइसिंग के बाद सिंपली आप अपनी कंपनी का नाम डिसाइड कर लें कि मुझे किस नाम से एक्सपोर्ट करना है। जब आप ये नाम डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इस नाम
कौन सा एक्सपोर्ट करना है, उसका रजिस्ट्रेशन मतलब आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेना है, प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद उसका करंट अकाउंट ओपन कराना है, किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक में जाके आप अपना करंट अकाउंट ओपन कराएं, जो एक तरीके का ट्रेड अकाउंट आपका रहेगा। और वहां से आपको एडी कोड लेटर लेना है, ऑथोराइज डीलरशिप कोड, जो कि आरबीआई के द्वारा बैंकों को दिया जाता है, वो कोड उस बैंक के पास होना चाहिए तो आप उसमें अकाउंट खुलाएं। जब आपको एडी कोड लेटर बैंक से मिल जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को वापस से आपको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा, तभी बैंक आपको एडी कोड लेटर भी निकाल के देती है और आपके अकाउंट के साथ उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को लिंक भी करती है। तो यहां पे आपको डीजीएफटी के पोर्टल से आईसी लेके अकाउंट खुलाने के बाद सीधा सीधा एडी कोड के लिए अप्लाई कर देना है, तो बैंक से आपको वो लेटर ले लेना है। उसके बाद आपको यहां पे आरसीएमसी लेना पड़ेगा, जो कि स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, वहां से आपको उसका रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, आरसीएमसी उसको बोला जाएगा। जब आप ये ले लेंगे, उसके बाद पोर्ट रजिस्ट्रेशन आएगा, जिसमें आपको आइस गेट, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, ये तीनों चीजें एक ही है। आइस गेट जो है कस्टम पोर्टल है, उस पर सारे रजिस्ट्रेशन आपको करने रहेंगे। आप हमारी भी मदद ले सकते हैं किसी भी तरीके के रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए। आप जब भी आइस गेट कर लेंगे, उसके बाद आपको जो है जिस भी पोर्ट से या एयरपोर्ट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वहां पर आपको अपना सीएच अपॉइंट करना पड़ता है। कस्टम हाउस एजेंट होता है जो आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लीयरेंस करा के मटेरियल को आगे एक्सपोर्ट करता है। जब आप सीएच अपॉइंट कर लेंगे अपने पोर्ट के ऊपर, तो आप उससे अपनी कॉस्टिंग लेंगे, अपना प्रोडक्ट बताएंगे कि ये प्रोडक्ट इतना मुझे एक्सपोर्ट करना है, वो आपको प्राइस देगा। बायर फाइंडिंग आप चालू करें इसी बीच में, जब आपको बायर मिल जाए तो बायर को अपनी प्राइस दें। प्राइस देने के बाद बायर से जब ऑर्डर आता है तो उससे एडवांस पेमेंट डलाएं। जब आपको एडवांस पेमेंट मिल जाए, उसके बाद मटेरियल को एक्सपोर्ट कर दिया जाए और आपका सीएच, उसका कस्टम वगैरह और सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट फाइल करके उसको कनेक्टेड जो भी फ्लाइट रहेगी या जो भी वेसल रहेगा उसमें लोड करवा देगा, ऑनबोर्ड कर देगा, और इस तरीके से आपका एक्सपोर्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। जो भी सारे डॉक्यूमेंट आएंगे वो सीएच एंड फ्रेट फोर्डर आपको कुरियर कर देंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आपके पास आए तो वो डॉक्यूमेंट आपको बायर को कुरियर करने हैं। बायर को कुरियर तभी करने जब आपका पूरा पेमेंट आपके पास आ जाए, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के बायर भी मटेरियल नहीं छुड़ा सकता। जब आपको डॉक्यूमेंट कुरियर करेंगे तभी बाहर मटेरियल छुड़ाएगा, तो आपका भी पेमेंट आपके पास यहां पे आना जरूरी है। जब आपके पास अपना पेमेंट आ जाए, आप डॉक्यूमेंट कुरियर करें, बाहर वहां पे वो डॉक्यूमेंट रिसीव करके अपना मटेरियल छुड़ा लेगा जब भी उसके यहां पे मटेरियल पहुंचता है। तो इस तरीके से ये एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। दोस्तों, आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो हम लेके आए आपके लिए 7 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर हम ये सब कवर करते हैं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें लाइव बायर फाइंडिंग आपको करवाया जाएगा, किस तरीके से आपको बायर फाइंड करना है, इसके अंदर आपको पूरा कस्टम क्लियरेंस, लॉजिस्टिक एडमेंट सब कुछ बताया जाएंगे कि कैसे करना है, आपको यहाँ पे पेमेंट कैसे लेना है, बायर आपको एडवांस पेमेंट कैसे करेगा, ये सब कुछ आपको हमारी ऑनलाइन 7 डेज की ट्रेनिंग में बताया जाता है। या आप हमारी 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी कोटा राजस्थान में आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।